नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, भारत ऋषियों मुनियों और मनीषों का देश कहा जाता है। भारत के अंदर प्राचीन काल से अनेक ऋषि मुनि हुए हैं। उनकी शिक्षाओं ने पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया है। अभी आधुनिक समय के एक मनीषी हुए हैं आचार्य पंडित श्री राम शर्मा। उनकी हर सांस गायत्री मई थी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य भारत की महान संत परंपरा की ऐसी दिव्य विभूति हुई हैं जिन्होंने 20वीं सदी में हिंदू धर्म के सर्वोच्च वैदिक मंत्र गायत्री महामंत्र के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन की दिशा धारा बदलने का अद्भुत महापुरुषार्थ किया था। विश्व मानव के उद्धार के लिए इतिहास में कभी कभी कोई अवतारी चेतना एक साथ बहुआयामी रूपों में प्रकट होती है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक संरक्षक और युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान के सूत्रधार पंडित श्री राम आचार्य भारत की महान संत परंपरा की ऐसी दिव्य विभूति हैं जिन्होंने 20वीं सदी में हिंदू धर्म के सर्वोच्च वैदिक मंत्र गायत्री महामंत्र के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन की दिशा धारा बदलने का अद्भुत महापुरुषार्थ किया था। बीती सदी के इस महानतम गायत्री साधक का समूचा जीवन भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान को समर्पित रहा। वयम राष्ट्रे जागर्याम पुरोहित के उद्घोषक इस सच्चे राष्ट्र संत के जीवन का बारीकी से अवलोकन करने पर आदर्शों पर चलने वाले सच्चे कर्मनिष्ठ ब्राह्मण और लोक मंगल की कामना में सतत संलग्न एक अनुकरणीय पारदर्शी व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं जिन्होंने अपने जीवन से साधना से सिद्धि का सूत्र सार्थक कर दिखाया। बीती शताब्दी की घोर विषम परिस्थितियों में 21वीं सदी उज्जवल भविष्य और हम बदलेंगे युग बदलेगा जैसे उद्घोष करने का साहस आचार्य श्री जैसा कोई गायत्री महाविद्या का सिद्ध तपस्वी ही कर सकता था। ज्ञात हो कि आचार्य श्री ने गायत्री तीर्थ शांति कुंज के रूप में सुगढ़ मानवों को गढ़ने की जो टकसाल स्थापित की थी आज वह 16 करोड़ की सदस्य संख्या वाले विशाल वट वृक्ष में रूपांतरित हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिला के आवल खेड़ा गांव के एक संपन्न जमींदार ब्राह्मण परिवार में विक्रमी संवत 1967 20 सितंबर 1911 को अश्विन कृष्ण त्रयोदशी को जन्मे बालक श्रीराम के पिता पंडित रूप किशोर शर्मा आगरा मंडल के सुप्रसिद्ध भागवत कथाकार थे। उन्होंने
पुत्र श्री राम को पंडित मदन मोहन मालवीय से काशी में गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलाई थी। उस 6 वर्षीय बालक ने दीक्षा के समय मालवीय जी द्वारा बोले गए एक वाक्य गायत्री ब्राह्मण की काम धेनु है को जीवन भर के लिए गांठ बांध लिया और यही गायत्री मंत्रों की समूची जीवन साधना का आधार बना रहा। आचार्य श्री ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, 15 वर्ष की आयु में ब्रह्मबेला में घर के पूजा कक्ष में गायत्री मंत्र की साधना करते समय उनके विगत कई जन्मों के हिमालयवासी गुरु ने उनको दर्शन देकर उनके भावी जीवन की दिशा धारा निर्धारित कर दी और उन्होंने बिना किसी दुविधा व संकोच के अपनी मार्गदर्शक सत्ता के सारे आदेश निर्देश सहर्ष स्वीकार कर लिए। गुरु आज्ञा से कठोर आहार संयम 24 वर्षों तक 24 घंटे में सिर्फ एक बार जौ की एक रोटी और एक गिलास गाय के छाछ का आस्वाद आहार के साथ 24 वर्षों में गायत्री महामंत्र के 24 लाख के 24 महापुरुष चरण का महा अनुष्ठान पूर्ण करके वे वेद माता गायत्री के वरद पुत्र बन गए। महायोगी देवराहा बाबा का कहना था कि जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस को महाकाली माँ काली सहज सुलभ थी, वैसे ही पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को माँ गायत्री की कृपा सहज प्राप्त थी। 2 जून 1990 को गायत्री जयंती के पावन दिन अपनी 80 वर्ष की उद्देश्य पूर्ण लौकिक जीवन यात्रा पूर्ण कर अपनी आराध्य सत्ता माँ गायत्री में विलीन हो जाने वाले इस युग दृष्टा महामनीषी की प्रत्येक श्वास गायत्री में थी। समीधा की तरह सतत तिल तिल जल कर अपना समूचा जीवन राष्ट्र के सांस्कृतिक पुनरुत्थान में समर्पित कर देने वाले माँ गायत्री के इस साधक का कहना था कि गायत्री महामंत्र भारत के समूचे वैदिक तत्व ज्ञान एवं अध्यात्म विद्या का मूल आधार है। जिस तरह वट वृक्ष की समस्त विशालता उसके नन्हे से बीज में सन्निहित रहती है, ठीक वैसे ही वेदों में जिस अविच्छिन्न ज्ञान विज्ञान का विशद वर्णन किया है वह सब कुछ बीज मंत्र में गायत्री मंत्र में समाहित है। देवता ऋषि मनीषी व तपस्वियों ने इस महामंत्र के आधार पर महान सिद्धियां एवं विभूतियां हासिल की हैं। गायत्री वह शक्ति है जो सभी जीवधारियों के भीतर प्राण तत्व के रूप में विद्यमान है। संस्कृत में गय कहते हैं प्राण को और प्राण का त्राण करने वाली शक्ति गायत्री कहलाती है। जो मनुष्य इस शक्ति के उपयोग का विधान व विज्ञान ठीक से जान व समझ लेता है वह उससे ठीक वैसा ही लाभ पा सकता है जैसा कि भौतिक विज्ञानी अपनी प्रयोगशालाओं मशीनों तथा कारखानों के माध्यम से उठाते हैं। गायत्री महाशक्ति की तात्विक विवेचना करते हुए आचार्य श्री ने लिखा कि हिंदू धर्म में माँ गायत्री को पंचमुखी माना गया है, जिसका अर्थ है यह संपूर्ण ब्रह्मांड जल वायु पृथ्वी तेज और आकाश नामक जिन 5 तत्वों से बना है। संसार के सबसे सभी प्राणी भी इन्हीं 5 तत्वों से बने हैं। वैज्ञानिक
अध्यात्मवाद के प्रणेता, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के प्रणेता के रूप में विख्यात इस अप्रतिम राष्ट्र संत ने धर्म को रूढ़ियों व आडंबरों के संजाल से मुक्त कर उसका सहज सरल और वैज्ञानिक स्वरूप जन सामान्य के सामने रखा। गायत्री महामंत्र, जिसका वाचन तत्कालीन परिस्थितियों में सिर्फ वैदिक ब्राह्मणों तक सीमित था, खास तौर पर स्त्रियों के लिए जो वेद मंत्र पूरी तरह वर्जित माना जाता था, इस महामनीषी ने अपने प्रचंड तपश्चर्या के बल पर उसे सर्वसुलभ करा दिया था। ज्ञात हो कि गायत्री महामंत्र की साधना को जाति धर्म लिंग भेद से परे सबके लिए सुलभ बनाने वाले इस असंभव कार्य को संभव करने के कारण तद्दुगीन भारत के समूचे संत समाज ने एक स्वर ने उन्हें लाइट ऑफ एशिया की उपाधि से अलंकृत किया था। आचार्य श्री ने भारतीय जनजीवन में आध्यात्मिक नवजागरण का जो महापुरुषार्थ किया, उसके लिए समूची मानव जाति सदैव इस विलक्षण राष्ट्र संत की सदैव ऋणी रहेगी। समय की मांग के अनुरूप जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अभिनव प्रेरणा व संवेदना जगाती 3,200 पुस्तकों का सर्जन उनकी अद्वितीय लेखकीय अक्षमता का द्योतक है। मानवीय चेतना में सुसंस्कारिता, संवर्धन, अध्यात्म व विज्ञान के समन्वय, पर्यावरण व लौकिक जीवन का शायद कोई ऐसा पक्ष हो जो इस युग व्यास की लेखनी से अछूता रहा हो। इस साहित्य में संवेदना का स्पर्श इस बारीकी से हुआ है कि लगता है लेखनी को उसी की स्याही में डुबाकर लिखा गया हो। हर शब्द ऐसा जो हृदय को छूता, मनो व विचारों को बदलता जाता है। देश भर में 2,400 गायत्री शक्ति पीठों, 40,000 प्रज्ञा मंडलों और सैकड़ों महिला मंडलों की स्थापना करने वाले आचार्य श्री ने देश विदेश में जिस नैतिक, बौद्धिक व सामाजिक आंदोलन का सूत्रपात किया था, उसकी वर्तमान उपलब्धियां अपने आप में बेमिसाल कही जा सकती हैं। इसी तरह भारत के घर घर में गायत्री व यज्ञ को घर घर में स्थापित करने का श्रेय भी आचार्य श्री को जाता है। धर्म तंत्र से लोक शिक्षण, ग्राम तीर्थों की स्थापना, भेदभाव रहित धार्मिक आयोजन, लोक सेवियों को प्रशिक्षण, बाल संस्कार शालाओं द्वारा बच्चों में सुसंस्कारिता का बीजारोपण, लोक संस्कृति का पुनर्जीवन, कुटीर उद्योगों का रोजगार परक प्रशिक्षण, पर्यावरण संरक्षण के लिए यज्ञ विज्ञान की विज्ञान सम्मत स्थापना जैसे अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा अखिल विश्व गायत्री परिवार आज जिस तरह सेवा पथ पर निरंतर गतिमान है, उसके मूल में मिशन के संस्थापक पंडित श्री रामाचार्य की दिव्य प्रेरणाएं ही हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार। Om Bhur Bhuvah Swah Tassah।
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।